स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज आप लोगों के लिए ऐसा सवाल लेके आए हैं जो कि आपकी ज़िंदगी बना देगी और हर बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ा देगी। तो चलिए बिना टाइम लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। सवाल नंबर एक, लाल मिर्ची खाने से आपके शरीर में क्या फ़ायदा मिलता है, क्या पता है? इसका सही आंसर है, लाल मिर्ची खाने से हार्ट अटैक की बीमारी कभी भी आपके शरीर में नहीं उत्पन्न होती है। सवाल नंबर दो, यहाँ पे लिखा है तेल वाला सामान खाने से पहले क्या खाना चाहिए जिससे आपकी लीवर खराब ना हो? इसका सही आंसर है, एक चम्मच चीनी खाना चाहिए तेल वाला सामान खाने से पहले। सवाल नंबर तीन, मच्छर के काटने से कौन सी शरीर में भयंकर बीमारी उत्पन्न ले सकती है, क्या आपको इसका आंसर पहले से पता है? इसका सही आंसर है, मलेरिया बुखार उत्पन्न हो सकती है आपके शरीर में। सवाल नंबर चार, सब्जी में मेथी डाल के खाना बना के खाने से आपके शरीर में क्या फायदा होता है, क्या आपको पता है? इसका सही आंसर है, अगर आप खाना के साथ मेथी डाल के बना के खाते हैं तो शुगर की बीमारी आपके शरीर में नहीं होगी। सवाल नंबर पाँच, सर्दी जुकाम ठंडी के मौसम में क्यों हो जाता है? बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ठंडी के मौसम में सर्दी जुकाम खांसी यह सब क्यों हो जाता है, तो इसके लिए कौन सा आयुर्वेदिक नुस्खा अपनाना चाहिए जिससे आपको यह सब बीमारी ना हो, क्या आपको इसका आंसर पता है? दोस्तों इसका सही आंसर है, ठंडी के मौसम में ज़्यादा ठंडा सामान नहीं खाना चाहिए, सुसुम पानी पीना चाहिए। सवाल नंबर छः, जीरा मरीच डाल के खाने से क्या शरीर में फ़ायदा मिलता है, क्या आपको पता है कि अगर खाने के साथ अगर जीरा मरीच आप डाल के खाते हैं तो आपके शरीर में क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है, पेट में गैस की बीमारी ज़्यादातर नहीं होती है अगर आप सब्जी में जीरा मिर्च का सेवन करते हैं तो, वो भी मिनिमम मात्रा में करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।